welcoming you all to my channel. Hope you all are doing well. पता है, आज मेरे पास ढेर सारा queries है, जो मुझे मेरे Insta fam और YouTube fam ने पूछा है. So I'm gonna answer all those questions with your names. नटखट, मजेदार और अजीब all type of questions are included. So without much more chatter-patter, let's have a look on the questions. Okay, let's answer all the questions one by one. First question जिन्होंने पूछा है, उनका नाम है निकी. वो एक मेरा कॉलेज के फ्रेंड है. तो उन्होंने पूछा है, Who is your boyfriend? अरे यार, और कुछ तो पूछो. दुनिया में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के अलावा और बहुत सारे चीज है. ओके, अगर पूछ ही लिया हो तो चलो बता ही देती हूँ. एक मिनट, क्या लगा बता दूंगी? डायरेक्ट शादी का ब्लॉग लेके आऊंगी, तब देख लेना. आई मीन तब जान जाओगे. टिल देन इट्स ए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्होंने पूछा, उनका नाम है गोल्डन हैर प्रिंस. इन्होंने पूछा है, व्हेन डिड यू फर्स्ट किस? अरे यार, मैं तो एक ही हूँ ना, यू क्यों लगाया? अरे यार, सही तो क्वेश्चन पूछो. ओके, तो फर्स्ट किस मैंने अपने पापा, मम्मी और बहन को दिया. और अगर आपको चाहिए तो ये लो, क्योंकि आप सब लोग मेरे इंस्टा फैम और यूट्यूब फैम हैं, तो आप लोगों के लिए तो ढेर सारा प्यार तो बनता ही है. और एक क्वेश्चन है, तो जिन्होंने पूछा है, उनका नाम है श्रद्धा. उन्होंने पूछा है, हे हाय. और एक क्वेश्चन जिन्होंने पूछा, उनका नाम है हिमांशु प्रुष्टि. उन्होंने क्या पूछा है, चलो देखते हैं. उन्होंने पूछा है, कैसे हो माय फेयर डियर फ्रेंड साइना. ओके, यू नो नथिंग हैज बिकम नॉर्मल येट. कोरोना तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है. मिसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा. ओके, संदीप ने पूछा, व्हेन यू आर कमिंग रांची? अभी तो फिलहाल दिमाग ठीक ठाक ही है, पर अगर कोरोना और एक दो साल तक चलता ही रहा ऐसे, तो मुझे तो लग रहा है मैं रांची के लिए टिकट कटवा ही लूंगी. So, उन्होंने पूछा है, पेरेंट्स और लव जस्टिफाई. जैसे एक सिक्के के दो पहिए होते हैं, वैसे ही वी नीड बोथ ऑफ देम. दोनों का होना बहुत ही जरूरी है. जैसे कि पेरेंट्स हमें बचपन में उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, उसके बाद क्या कुछ नहीं करते. पर जिंदगी में एक मोड़ आ जाता है जब वी नीड अ पार्टनर, अ लाइफ पार्टनर, जो हर वक्त हमारे लिए स्टैंड लेते हैं, एज लाइक ए पेरेंट्स. सो आई विल चूज बोथ. ओ गॉड, फिर से संदीप. इन्होंने तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार सवाल पूछे हैं, जिनका एक तो मैंने आंसर दे दिया है. अभी बारी है ये तीन की. तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो है, व्हेन यू विल बी रिलेशनशिप विद मी. आई मीन इन्होंने इनको रिमूव कर दिया है इस लाइन से. तो समझ गई हूँ, मतलब मैं उनके साथ रिलेशन में कब आना चाहती हूँ, ये वो पूछ रहे हैं. गॉड्स, अभी तक तो मैं कितनी सारी रिलेशन निभा रही हूँ. आपके साथ भी तो निभा रही हूँ ना, यूट्यूब फैमिली और इंस्टा फैमिली तो हो आप मेरे. ओके, सेकंड नहीं, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन यू आर गोइंग टू टेक एडमिशन माय हार्ट. मैंने तो सुना है कॉलेज और स्कूल में एडमिशन मिलती है, लेकिन हार्ट में कब से एडमिशन शुरू हो गया? अच्छा ठीक है,
हार्ट में भी दो रास्ते हैं, एक आर्टरी और एक वेन। ये बता दो मैं कौन से रास्ते में जाऊं एडमिशन लेने के लिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन उन्हीं का है, मतलब उन्हीं जनाब का है। कैन यू बी माय गर्लफ्रेंड? अरे यार मैं तो आपका गर्लफ्रेंड हूँ ना। गर्ल और फ्रेंड, गर्लफ्रेंड हूँ ना मतलब लड़की, दोस्त हुई ना आपका गर्लफ्रेंड। टिकटक खोकर, इन्होंने पूछा है। वाओ ये तो टिकटक में ही अटके हुए हैं। मैं भी अटकी हुई थी लेकिन मैं निकल गई। इन्होंने तो मेरा तारीफ किया है। वाओ मैंने भी बोल दिया वाओ। ये लो ये आपके लिए, नहीं ये नहीं दूंगी। एस मिस्टर एस पी एन, इन्होंने पूछा है एम कौन अच्छी तुम्हारा। इन्होंने ओडिया में पूछ दिया है तो इसका मतलब है क्या एम है आपका। तो मेरा तो एम बहुत ही सारा है, जैसे कि बचपन से लेके मेरा एम था एक टीचर होना, फिर एक आईपीएस ऑफिसर होना, फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे मेरे इतना बड़ा बड़ा एम छोटा छोटा होने लगा। जब मुझे पता चला कि मेरा जो इतना बड़ा बड़ा सा एम है उसके लिए मुझे इतना इतना मेहनत करना पड़ेगा, मतलब इतना इतना पढ़ाई करना पड़ेगा, तब मेरा एम बहुत छोटा छोटा होने लगा। फिलहाल अभी के लिए मेरा एम है एक यूट्यूबर, मतलब एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन जिन्होंने पूछा है उनका नाम है क्यूट फिक्सल। इन्होंने पूछा है ग्लोइंग स्किन के राज। ओ यार मेरा कितना ग्लोइंग स्किन है ना, वाओ। मम्मी से पूछ के तो जरूर बताऊंगी। हाँ ग्लोइंग स्किन की एक छोटी सी मैं राज बता देती हूँ। ज्यादातर मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, ठीक है, और दिन भर जितना हो सके उतना फेस वॉश करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुजाहिद खान। खान साहब सलाम अलैकुम। ओके इन्होंने पूछा है लव यू। ओह गॉड आप तो एक बार में ही डायरेक्ट एसआरके के पास पहुंच गए। लव यू टू। अंकित कश्यप जी ने पूछा है आपसे वीडियो कॉल पर बात करना चाहती हूँ। अरे हम दोनों तो अभी वीडियो कॉल में भी बात कर रहे हैं ना, ये तो एक तरफ की वीडियो कॉल है। आप जो मुझे अभी क्वेश्चन पूछे हो उसका आंसर तो मैं अभी दे रही हूँ ना, तो ये तो एक तरफ की वीडियो कॉल हुआ। ये नेक्स्ट निकी, इन्होंने दो क्वेश्चन पूछे हैं। पहला वाला जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, दूसरा जो है वो क्वेश्चन है। तो पहला जो है वो है यूट्यूब में बहुत अच्छी वीडियो बनाती हो, कीप इट अप। थैंक यू माई डियर फ्रेंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आई साइना लॉकडाउन में कैसे और क्या करती हो। तो लॉकडाउन में मैं बहुत सारा कुछ सीख गई हूँ, जैसे कि खाना बना लेती हूँ, डांस भी कर लेती हूँ और कुछ कुछ ऐड भी कर लेती हूँ, और घर बैठ बैठ के घर लोगों का मतलब घर के लोगों का दिमाग भी खा लेती हूँ। और खास बात यह है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो भी बना लेती हूँ। नेक्स्ट है राकेश, इन्होंने पूछा है तुम्हारी एज कितना। अरे यार आपको पता नहीं है क्या एज नहीं पूछते हैं, मतलब लड़कों को उनका सैलरी और लड़कियों को उनका एज नहीं पूछते हैं, लेकिन चलो पूछ लिया है तो बता ही देती हूँ। मैं अभी टीनेजर हूँ, ठीक है, आप लोग गेस कर लो मैं कितना हूँ, मेरा एज कितना है। तो ये जो नाम है राहुल, कितना बड़ा नाम है ये जो राहुल है, यहाँ पर आप लोग पढ़ दो इसका नाम क्या है। इनका जो नाम है इतना बड़ा वाला नाम का सेंटेंस है, इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा मैं ले ले रही हूँ मतलब नाम का। तो इनका नाम है राहुल, इन्होंने पूछा है फ्रेंड बंदागी खा तू ते खा मेरा मेरे तू, मतलब आई थिंक इन्होंने पूछा है फ्रेंड बनोगी क्या मेरा तू। मुझे भी कुछ इसका समझ में नहीं आ रहा है क्या है इसका क्वेश्चन, तो हाँ मैं आपका फ्रेंड हूँ। नेक्स्ट है विचित्रा कुमार, इन्होंने पूछा है
आपण कौन करती मैम? मैं पढ़ाई भी करती हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाती हूँ। नेक्स्ट है सागर ने पूछा, टिकट कथा है बा? ठीक है, आप लोगों की ख्वाहिश मैं फुलफिल कर दूंगी। तो चलो एक दिन मैं इंस्टाग्राम में लाइव आऊंगी और आप लोगों के साथ बात करूंगी, तब आप लोग जो भी डाउट है पूछ लेना, ठीक है? नेक्स्ट है अविनाश। अविनाश इन्होंने पूछा, माय बेस्ट फ्रेंड बनोगी क्या? नहीं बन पाऊंगी, क्योंकि मेरा लाइफ टाइम बेस्ट फ्रेंड तो एक ही है, वो है एटीएम। ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड, ऑल टाइम मॉम। हाय मॉम। ये है मेरी क्यूट सी लिटिल सिस्टर। नेक्स्ट इन्होंने पूछा, उनका नाम है चंदन। उन्होंने पूछा है, आपका बीएफ का नाम क्या है? ओ गॉड, हर कोई पूछ रहा है आपका बीएफ का नाम क्या है। तो सुनो, 4 या 5 ईयर के बाद जब मैं शादी का ब्लॉग लेके आऊंगी, तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरा बीएफ कौन है। तब मेरा बीएफ बीएफ नहीं रहेगा, हस्बैंड बन जाएगा। तो तब तक के लिए सस्पेंस। नेक्स्ट है किलर वी होरा। इन्होंने पूछा है, यू हेम फ्रेंडशिप मी? आपका फ्रेंड तो मैं हूँ। तो आ गई है अभी मेरी बहन लिटिल बेस। ये क्या क्वेश्चन पूछी है बता देती हूँ, मेरी नेक्स्ट आई मेकअप कब करने वाली हो? इसको तो और कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ मेकअप मेकअप मेकअप, फोटोशूट फोटोशूट फोटोशूट, यही बस आता है। तो देख लो ये सारे इनका है फोटो। तो अगर आप लोग चाहते हो कि इसका आईडी चाहे इसको फॉलो करेंगे या कुछ भी, तो यहाँ पर है इसका नेम, जाके चेक कर लो। और एक क्वेश्चन है जिन्होंने पूछा है, जिंदा रहेंगे तो बनेंगे उनका नाम ये है। तो इन्होंने पूछा है, जीएम बनोगी क्या? अरे यार, मैं तो आप लोगों का जीएम हूँ ही, गर्ल फ्रेंड लड़की वाला दोस्त। ये जो है जनाब, इनका नाम है खुद योगेश मॉडल, मॉडल होंगे शायद। इन्होंने वेव किया है, हेलो हाय। श्रद्धा इन्होंने पूछा है, हाउ यू आर सो ब्यूटीफुल? ब्यूटीफुल मैं एटीएम से पूछ के जरूर आप लोगों को बताऊंगी। अगर आपको एटीएम का मतलब नहीं पता है तो वो है ऑल टाइम मॉम मिस्टर एसपीएन। इन्होंने फिर एक बार पूछा है, तो हेलो मिस्टर। इन्होंने पूछा है, कौरव कौरव? कुछ नहीं करती हूँ पढ़ाई के और यूट्यूब बनाने के सिवा। नेक्स्ट है इस्मेल जान। इन्होंने पूछा है, आपकी शादी कब हुई? अरे यहाँ मैंने तो अभी बताया है ना, मैं टीनेजर में हूँ, जब होगा शादी का ब्लॉग आप लोग देख लेना, ठीक है? इस जनाब का नाम है मोहम्मद वजीर। इन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया है, क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो इन्होंने कहा है, लवली क्यूट। ओ ये फिर से पूछ रहे हैं, अनिकेत कश्यप, शादी हो गई है क्या? ये और एक भी क्वेश्चन पूछे हैं, रिप्लाई तो करती नहीं हो आप। अरे यार, मैं तो रिप्लाई शादी के बाद आऊंगी, मतलब शादी के जो क्वेश्चन है उसके बाद आऊंगी। उन्होंने जो पूछा है, शादी हुई है या नहीं, मैं तो आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि मैं अभी टीनेजर में हूँ, तो फिलहाल अभी तो शादी नहीं है। और ये वाला क्वेश्चन ढेर सारा मुझे पूछा है, शायद आगे भी हो, और जो है रिप्लाई नहीं करती हूँ। गाइस, मेरे तो ढेर सारे फैमिली हैं, मतलब इंस्टाग्राम में बहुत सारे फैमिली मेम्बर है, और यूट्यूब में भी इतना नहीं है पर जितना भी है। आसान तो नहीं है, तो आप लोग जब जब मुझे बोलोगे मैं तब तब आपके लिए ऑनलाइन आके लाइव आ जाऊंगी।
और तब आप मेरे साथ बात कर दोगे, ठीक है? नेक्स्ट जिन्होंने पूछा है उसका नाम है लिपू। उन्होंने पूछा है, दुनिया रे रियल लव रो माने कौन? तो रियल लव का मतलब ये है जो कि हमेशा आप लोगों का साथ एंड तक, एज लाइक आवर पेरेंट्स। नेक्स्ट जिन्होंने पूछा उनका नाम है प्रीतोस। उन्होंने पूछा है, हाउ डू यू मैनेज टू बी ए मेकअप आर्टिस्ट, यूट्यूबर एंड स्टूडेंट? इनका नाम सुन के कुछ ज्यादा ही नहीं मुस्कुरा रही है, दाल में कुछ तो काला है। दाल कुछ काला नहीं है, तो इग्नोर हर, आपको तो पता ही होगा आई एम सच ए मल्टी टैलेंटेड गर्ल। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वाला वीडियो? इसमें कॉम्प्लीमेंट्स भी है और ढेर सारे क्वेश्चन भी है, तो अगर आपको और भी कुछ पूछना हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए, अगर मेरा ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वाला वीडियो को जरूर लाइक शेयर एंड कमेंट करना। और हाँ, अगर आप इस चैनल में नए हो तो यहाँ पर कुछ रेड वगैरह नहीं है, हाँ मेरा लिपस्टिक है, तो ये जो लिपस्टिक है रेड कलर का, यहाँ पर साइड में एक नीचे रेड कलर का एक बटन है, उसको क्लिक कर देना, मतलब मुझे सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।